वेलकम। कंपाउंड इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट प्रॉब्लम्स इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों में काफी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए, आप सबों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ। इंस्टॉलमेंट से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें आप लोगों को दिक्कतें आ रही थी। पिछले दिनों मैंने सिंपल इंटरेस्ट पर इंस्टॉलमेंट से संबंधित जो एपिसोड दिया, मुझे उम्मीद है कि आपकी समस्याएं दूर हो गई होंगी। और आज कंपाउंड इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट से संबंधित प्रॉब्लम्स पर बात करने जा रहा हूं। यह एक महा एपिसोड है। मैं चाहता हूं कि इस एपिसोड के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट से संबंधित क्वेश्चन जो किसी एग्जाम में आते हैं उसमें आपको कभी कोई दिक्कत ना हो। इस एपिसोड के बाद मैं इसमें जो फॉर्मूला होते हैं जिनसे अक्सर सॉल्व किया जाता है क्योंकि कोई रास्ता नजर नहीं आता, उनको लेकर नहीं चलना चाहता, लेकिन फिर भी कैलकुलेशंस तो हैं पर तुरंत बननी चाहिए। 15 सेकंड्स, 20 सेकंड्स, विद इन हाफ मिनट उसे हर हालत में सॉल्व होना चाहिए। क्या रास्ता हो, जहां पर फॉर्मूला पैदा होता है उस ओरिजिन पर पहुंचेंगे हम लोग और वहां से देखेंगे फॉर्मूला पैदा कैसे होता है और हमारा कैलकुलेशन बिना फॉर्मूले के वहीं से होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सारे सिचुएशन को एक्सप्लेन करूंगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट में वास्तव में होता क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन को मैं डिटेल लिखूंगा, बनाऊंगा, समझाऊंगा। जब एक बार समझ में आ जाएगा फिर ढेर सारे क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चंस हैं, उन्हें मैं बिना ज्यादा लिखे हुए ठीक ठीक बात करूंगा कि आखिर उस कॉन्सेप्ट को जल्दी से अप्लाई कैसे किया जाए और फिर आप भी उसे करने लगेंगे। 1 क्वेश्चन के बाद आगे मैं डिटेल लिखने वाला नहीं, जितना कैलकुलेशन एग्जाम में करना जरूरी है उतना ही करूंगा, लेकिन वो कैलकुलेशन आया कहां से ये जानना तो जरूरी है ना। आई फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बिल्डर बोरोज ₹2,550 टू बी पेड बैक विथ कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 4% पर एनम बाय द एंड ऑफ 2 ईयर्स इन 2 equal yearly installments। हाउ मच विल ईच इंस्टॉलमेंट। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, हमारे कुछ स्टूडेंट बोलते हैं हिंदी मीडियम के कि प्लीज हिंदी में भी क्वेश्चन बोल दीजिए। हालांकि हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता, मैं किसी में बोलूं समझाता तो मैथमेटिक्स होना, मैथमेटिक्स में क्या प्रॉब्लम है। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब साउथ से एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि मैं साउथ से हूं, मैं आपकी हिंदी बिल्कुल नहीं जानता लेकिन मैं आपका पूरा मैथमेटिक्स अच्छी तरह से समझ रहा हूं और थैंक्स, मुझे अच्छा लगा। और ये लाइन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन मैथ पर होना चाहिए। 2,550 रुपीज कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से 2 yearly equal installments में, 2 समान वार्षिक किस्तों में अदा की जानी है, पे किया जाना है। व्हाट शुड बी द इंस्टॉलमेंट, थोड़ा सोचिए। 2,550 रुपीज अगर इसे हम 2 equal parts में डिवाइड कर लें, मान लीजिए तो 2 equal parts क्या होगा, 1275। थोड़ा सोचिए, तो 1275 रुपीस करके बांट ले, कहीं से लोन ले और बोले देखिए 2550 रुपीस का लोन है मेरा, आप कंपाउंड इंटरेस्ट लीजिएगा, ठीक है 4% पर एनम का है, आप ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए, उसे 1275 और 1275 2 parts में डिवाइड कर लीजिए। एक ये भी होता है जब इक्वल
इंस्टॉलमेंट का सवाल नहीं होता तो दूसरा टाइप में यह भी होता है। दो भाग में बांट लीजिए, 4% के रेट से 1 ईयर के बाद जो होगा मैं दे दूंगा और 4% के रेट से 2 ईयर्स के बाद जो होगा मैं यहां दे दूंगा। ऐसा करने से हमारा जो प्रिंसिपल है, मूल जो लोन का अमाउंट है वो तो सेम रहेगा, लेकिन ये जो इंस्टॉलमेंट है वो अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि 1 ईयर के बाद जो पैसा इंटरेस्ट के रूप में होना है, 2 ईयर्स के बाद जो होना है, 2 ईयर्स वाला तो ज्यादा ना होगा, तो ये इंस्टॉलमेंट सेम नहीं रहेंगे। ये भी क्वेश्चन होता है कि अगर हम ईयरली पे करें तो फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट क्या होगा, अगर इक्वली पे करें तो सेकंड ईयर का क्या होगा। तो बस 1275 लेके 4% निकाल के ऐड कर दीजिए, दिस विल बी द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और 2 ईयर्स का निकाल के यहां लिख दीजिए, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट में निकालना आप बहुत आसानी से जानते हैं, तो ये सेकंड इंस्टॉलमेंट होगा। लेकिन ये इंस्टॉलमेंट इक्वल नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, और इस पर आज हम लोग बात करने नहीं जा रहे, हमें ईयरली इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट देना है। तो क्या करें, ये वैल्यू को सेम होना चाहिए, तो प्रिंसिपल को बोलते हैं सुनिए सुनिए सुनिए, थोड़ा सा इस इंस्टॉलमेंट को बढ़ाइए ना। अरे कैसे बढ़ाएं, इसे कैसे बढ़ाएं, तो ये वैल्यू थोड़ा बढ़ा दीजिए ना, इसे बढ़ा दीजिए ना, तो इसे जब थोड़ा थोड़ा बढ़ाने लगेंगे, थोड़ा थोड़ा बढ़ाने लगेंगे तो थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगेगा ना। अब बोलेंगे इसको थोड़ा घटाइए ना, तो ये घटने लगेगा ना, घटने लगेगा ना, घटने लगेगा ना, और यहां आके मिल जाएगा, दैट विल बी एक्स। इसे थोड़ा इंक्रीज कीजिए, 280 कीजिए, 90 कीजिए, 300 कीजिए, कुछ बढ़ाइए, इसे थोड़ा घटाइए, 1260 कीजिए, 1250 कीजिए, घटाइए, ताकि ये थोड़ा कम हो, 2 ईयर्स के बाद भी इंटरेस्ट थोड़ा कम आना चाहिए, इधर होना चाहिए। हाँ, यही तो है इंस्टॉलमेंट। लेकिन ऐसी स्थिति में ये प्रिंसिपल्स तो अलग अलग हो जाएंगे ना, जिनको कि ऐड करके 2550 होना है, यानी प्रिंसिपल सेम होता, बोलते P1 एंड P2 आर द टू प्रिंसिपल्स, तो दोनों सेम होता, दोनों का सम 2550 होता, लेकिन हमें इंस्टॉलमेंट को सेम रखना है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल ज्यादा होगा, ताकि 1 ईयर में ही इंटरेस्ट हो के वो उतना हो कि दूसरे वाले का प्रिंसिपल P2 छोटा होगा, ताकि 2 ईयर्स के बाद भी इंटरेस्ट ज्यादा होने पर भी कम हो, इंस्टॉलमेंट सेम होना चाहिए। एक बात तो तय है, लेट दिस इज द प्रिंसिपल फर्स्ट एंड दिस इज द प्रिंसिपल सेकेंड, एंड गिवन P1 plus P2 is equal to 2550। पहले समझिए, मैं पहले ही कह चुका हूं, मैं डिटेल लिखूंगा, बनाऊंगा, लेकिन बाद में उसी कॉन्सेप्ट को बस यूज करूंगा, विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला यूज करूंगा। ये समझ गए? अब आइए, जैसा कि हमने कहा, अगर हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल P1 है और 4% इंक्रीज होकर के उसे कुछ होना है, तो अमाउंट को हम एक्स बोलते हैं, मिश्र धन अमाउंट को। फॉर्मूला कहता है प्रिंसिपल P × 1 + R/100 to the power n, अमाउंट अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट। मुझे फॉर्मूला से घृणा नहीं है, लीजिए, फॉर्मूले का गुलाम मत बनिए, बस इतना ही कहना है, बाकी तो फॉर्मूला अमृत के समान है, क्यों ना लेंगे, जरूरत होगी तो लेंगे, समझ के लेंगे। नहीं भी ले सकते हैं, कोई पैसा है शुरू में, 4% इंक्रीज हुआ, दैट बिकम्स 104% ऑफ द इनिशियल सम, दैट इज एक्स, होगा कि नहीं। अब इसी को फॉर्मूला क्या कहता है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट इज इक्वल टू P1 × 1 + R/100 to the power 1 और द फर्स्ट ईयर, उससे क्या फर्क पड़ता है, यही हुआ ना 104/100, यही हुआ ना, पावर वन हुआ ना, P1 क्या हुआ, इधर आने के बाद X × 104/100 to the power 1, यही हुआ ना, 104% ऑफ P1 इज इक्वल टू दिस। अब आप बताइए, फॉर्मूला यूज करने की तुलना में ये कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा है कि नहीं, और ये क्या है, परसेंटेज में जो आपने कंटिन्यूड फ्रैक्शन के रूप में पढ़ा था
वही वाला है कि नहीं? फॉर्मूला में इतना लिखते हैं, यहां तो ऐसे ही लिख देते हैं। आया समझ में? फिर भी फॉर्मूले को देखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो पी वन इतना होगा ना, पी वन क्या होगा, 100 बाई 104। पी वन ये जाके रिवर्स हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, ये समझे? तो देखिए फॉर्मूला लिखने चले थे, गलती भी कर बैठे, जबकि इसमें कभी गलती नहीं होगी, फॉर्मूले का यही तो डिमेरिट है। हाँ, तो पी वन कितना हुआ 100 बाई 104 टू द पावर 1x। और आप जानते हैं कि अगर हम P2 लेंगे 2 years के लिए, 100 बाई 104 टू द पावर 2x हुआ कि नहीं? एक बार और 104% ऑफ दिस इज इक्वल टू x, दो बार ऐसे ऐसे, जो P2 है P2 4% होके x, व्हाट वाज द इनिशियल? तो P2 इनटू 100 बाई 104। ये क्या 100 बाई 104 ढोते चलते हैं? अरे भाई थोड़ा इजी बना लीजिए ना, ऐसे लिखिए ना, ऐसे लिखे, क्यों लिखे शुरू में ही कर लेते ना। गिवन दैट P1 प्लस P2 2550 डाटा एग्जाम का सुंदर होता है, एक दूसरे के लिए बना होता है। आइए P1 प्लस P2 इतना है ना, बढ़िया से लिखिए 25 बाई 26x। कहां से आए 100 बाई 104 वाला ही ना है, वो भी ऐसे नहीं बोलेंगे। 4 बाई 100 क्या होता है, 1 बाई 25, 26 बाई 25, ना 25 बाई 26 प्लस 25 बाई 26 होल स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2550। इसे डरिए नहीं, ये कुछ नहीं है, मैं पहले कहता हूं कुछ नहीं है। जो हमारा प्रिंसिपल शुरू में होता है वो 104% हो जाता है 26 बाई 25। P1 क्या हो जाता है 26 बाई 25 P1 हो जाता है बढ़ करके, दैट इज x। तो P1 क्या होगा, उल्टा कब होगा ना भाई, बढ़ने के बाद में हुआ x, तो शुरू वाला क्या था, कम था ना P1, कम था ना, इंक्रीज होकर के ना x हुआ। तो P1 कितना होगा, 25 बाई 26 इंटू x। ये जैसे जैसे आप बनाएंगे समझेंगे, समझ में आता जाएगा, यही हमारा वर्क है, इसको ही डायरेक्ट लिखेंगे। आइए ये भी बड़ा सुंदर है, कॉमन ले जी। क्या कॉमन ले भाई, कॉमन क्या ले, डाटा तो एक दूसरे के लिए बना होता है। ये क्या होगा 26 और 25 मिलके क्या होगा, दोनों ऐड करेंगे ना, एलसीएम देखिए 26, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 51। ये ऐसा होता है कि ये देखिए 5 times कटाना, ये 25 से 2 times कटाना, 26 का स्क्वायर क्या होता है 676, उसका डबल क्या हुआ, डबल 1352। दिस इज आंसर, x इज इक्वल टू, बोलिए समझ में आया कि नहीं, थोड़ा और ऊपर लिखता हूं, x इक्वल टू 1352, दिस इज इंस्टॉलमेंट आंसर। अब यहां से दो धाराएं चलती हैं, टू लाइंस है, फर्स्ट कि ठीक यहीं पर सारे क्वेश्चन को रख के सॉल्व कर दूं, वो भी करूंगा, और सेकंड कि इसको और एनालाइज करूं। तो चलिए पहले मैं एनालाइज करता हूं, उसके बाद बात करूंगा, एनालाइज करता हूं, इसे मैं मिटाता हूं, ठीक है, कहां से आया मालूम है ना, एनालाइज करता हूं। जब हमने निकाल लिया कि इंस्टॉलमेंट जब हमने निकाल लिया कि हमारा इंस्टॉलमेंट 1352 था, ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट, इसका मीनिंग क्या है? मैथमेटिक्स दिखता है तो दिखना भी तो चाहिए। सोचिए प्रिंसिपल को, यानी 2550 को जब आपने उसको लोन लिया, तो कहा उस पैसे को 2 parts में डिवाइड कीजिए, पहला वाला थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, मान लीजिए कि वो 1300 है, मान लीजिए, क्योंकि हाफ, इसको हाफ करेंगे तो 1275 होगा, तो उससे थोड़ा बड़ा होगा, दूसरा वाला 1250 है मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, इसका 4% के रेट से 1 year के बाद दे देंगे,
और इसका 4% के रेट से 2 years के बाद दे देंगे। इसको ऐसा अरेंज कीजिए कि दोनों सेम आए, वो क्या हो, यही तो सवाल था ना। 1300 का 4% ऐड करने पर क्या होता है, 104% ऑफ 1300 होता है। फिर बोलते हैं फॉर्मूला, प्रिंसिपल इज इनटू 1+R/100 होता है। लेकिन आप जानते हैं कि आपने कंपाउंड इंटरेस्ट मुझसे पढ़ा है, कुछ नहीं होता है। 52 रुपए ऐड कीजिए 1352, ये सब कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपने मुझसे पढ़ा है, जस्ट 4% निकालिए, ऐड कीजिए, फिनिश। ये तो क्या सिंपल और क्या कंपाउंड, दोनों तो एक ही हुआ ना। और फिर इसका काहे का फॉर्मूला, काहे का फॉर्मूला, फॉर्मूला तो ये कहता है, नहीं पसंद है। 4% कितना होगा देखिए, 1% 1250, 4% 50, 4% 4% 1352, answer, what is the yearly installment 1352? अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए प्रिंसिपल क्या था, ये क्वेश्चन भी हो सकता है, तो बोलेगा ठीक है इंस्टॉलमेंट तो 1352 था ना भाई, था ना, 4% ऐड किए थे किसी में तो इतना हुआ था, यही ना निकालना है। फॉर्मूला तो ये कहता है कि 1352 इंटू 100/104। मैं नहीं चाहता सब करना, कैसे निकाले, इसका 4% ऐड करेंगे तो आएगा। अरे सुनिए ना, इसी का 4% निकाल लीजिए ना, अप्रॉक्स 13.52 है ना, तो 4% हुआ 52, 52 से थोड़ा ज्यादा, मतलब 52 और फिर 54, नहीं अप्रॉक्स, क्योंकि उससे थोड़ा कम होगा ना, अंदाज लगाइए 52 से थोड़ा ज्यादा, 52 हटा दीजिए, 1300 आंसर, कुछ करने की जरूरत नहीं है। नो, आंसर, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अप्रॉक्सिमेटली 4% निकाल के इसमें हटा के देखिए क्या बनता है, सुंदर सा नंबर 1300। 1299 नहीं लेना है, 1298 नहीं लेना है, 1301 नहीं लेना है, 1302 नहीं लेना है। प्रिंसिपल को कहीं ऐसे बांटा जाता है, किसी से लोन ऐसे लेते हैं, 1299 रुपए दे दीजिए, अरे 1300 दे दीजिए, 1250 दे दीजिए, बहुत होता है 1275 दे दीजिए, वो सुंदर सुंदर नंबर होगा। इसलिए 1300 आंसर। व्हाट वाज द प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड व्हाट वाज द प्रिंसिपल फॉर द सेकंड इंस्टॉलमेंट, ये समझ में आ गया, जो और भी क्वेश्चंस बनते हैं। अब मैं बात करता हूं कि जो कुछ भी हम लोग पढ़े देखे निकला उसको शॉर्ट में कैसे बनाया जाए, और सारे क्वेश्चन को शॉर्ट में बनाएंगे, लेकिन इसके लिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को भी शॉर्ट में बनाएंगे। इधर आइए, प्रिंसिपल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, प्रिंसिपल से तो बड़ा ही होगा ना, प्रिंसिपल से तो बड़ा ही होगा ना, क्या अमाउंट एक्स, तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होगा, तो अगर ये एक्स है इंस्टॉलमेंट तो 4% का रेट है, तो 100+400 तो 100/104 या 104/100, तो प्रिंसिपल तो छोटा होगा ना, तो 100/104 को जल्दी से यहां पर डिवाइड करके देख लेते हैं क्या होता है भाई। हाँ, 25/26, मैं क्या कर रहा हूं समझ रहे हैं, अरे देखिए मैं ये कर रहा हूं एक्स है ना, और ये 4% इंक्रीज हुआ ना, व्हाट इज दिस, हम लोग बोलते हैं एक्स लिख दीजिए, और प्रिंसिपल से थोड़ा इंक्रीज होके ये आया है, और ये एक्स मालूम है तो प्रिंसिपल छोटा होगा ना, तो ये 4% होने पर होगा 100 और दूसरा 100+4, इन्हीं दोनों का रेशियो लेना है, 100/104 और 104/100। अगर इंक्रीज करना हो तो इससे मल्टीप्लाई कीजिए, डिक्रीज करना हो तो इससे मल्टीप्लाई कीजिए, यही फ्रैक्शनल मेथड है जो पूरे मैथमेटिक्स में मैं यूज करता रहता हूं। तो ये क्या होगा, 100/104 मतलब 25/26 होगा ना, और अगर 2 इंस्टॉलमेंट हो तो 2 स्क्वायर होगा ना, 3 इंस्टॉलमेंट हो तो क्यूब होगा ना, फिनिश्ड, और कुछ नहीं करना है।
तो फर्स्ट के लिए इंस्टॉलमेंट यही ये P2 है और सेकंड के लिए इंस्टॉलमेंट ये वही कोई बात नहीं यहां लिखिए वहां लिखिए उससे कुछ नहीं होता एंड द सम इज 2550 यही लिखना है ये भी नहीं लिखना है तो हमारे मन में है ये तो हमारे मन में है कॉमन लिया 25x 26x कॉमन लेते ही आंसर हो जाता है मैं तो उसके बाद लिखने के लिए तैयार नहीं लेकिन आपको समझ में आए तो मैं थोड़ा लिख देता हूं यही तो बस ये एक बार लिखने के बाद और कुछ लिखने की जरूरत नहीं हाँ एक्स तो लिख चुका ये 26 यहां होगा ना 51 होगा ना 51 बाय 26 होगा ना इसे हटाई 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 इससे हमको मालूम है 5 times 0 50 2 2 2 x = 26 square 676 676 into 2 2 13 52 बोले समझ में आया कि नहीं आया आया ये क्या आया आंसर x इज इक्वल टू 1352 आया अब मैं क्या करता हूं इन सारे क्वेश्चंस को बिना कुछ खास रफ वर्क किए हुए बनाता हूं आई टू रीपे ए लोन ऑफ ₹5,300 एट 12% एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट इन 2 years व्हाट विल बी द एनुअल इंस्टॉलमेंट वही सवाल है चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से 12% पर एनम ये रेट है 5,300 का लोन पे करना है 2 yearly इंस्टॉलमेंट में तुरंत बोलेंगे इंस्टॉलमेंट एक्स रुकिए 4% है ना तो 100+4 क्या होता है 100+12% पर एनम का रेट है ना 100+12 क्या होता है 112 तो 112 बाय 100 या 100 बाय 112 100 और 112 को डिवाइड कीजिए तो 100 को डिवाइड करने से 4 से क्या आता है 25 और 112 में 100 का तो 25 ही आएगा ना और 12 का 4 से करने से क्या आएगा 3 यानी 53 28 25 and 28 तो 25 by 28 देखिए 25 by 28 या 28 by 25 अरे प्रिंसिपल है P1 कम होगा ना इसलिए 25 by 28 और दूसरा वाला क्या होगा 25 by 28 होल स्क्वायर एक्स ऐड कर दिया दिस इज ₹5,300 मैं तो ये लिखने के लिए तैयार ही नहीं हूं मैं तो चाहता हूं डायरेक्ट आप ये लिखें एक्स कॉमन ले लें और सीधा लिखें 28 और 25 कितना होता है 53 by 28 बस कैसे होगा समझ लें देखिए ये कैसे होगा ये कॉमन लेंगे तो 1+25 by 28 होगा ना 5300 देखिए 53 होगा ना ये बड़ा सुंदर नंबर होता है देखिए 53 इस ये 53 हुआ ना 53 से 53 कट गया 00 रहा 25 से 444 और x का वैल्यू हुआ 28 का स्क्वायर 784 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए जा मल्टीप्लिकेशन तो आता ही नहीं जल्दी से कैसे करें जी ये 800 इंटू 4 क्या होगा 3200 और 16 इंटू 4 64 less 3136 is the answer. 3136 is the answer. 3136 is the answer. बोले हुआ कि नहीं कैसे मल्टीप्लाई करना है 800 से 16 less 3200 से 64 less. ये सब मन में होना चाहिए हो रहा है समझे इसको क्लियर ऐसे ही मैं फिर करता हूं देखिए ये सारे क्वेश्चंस ऐसे ही करूंगा इसी तरह से बनेगा आइए थर्ड क्वेश्चन देखता हूं ए पर्सन टुक ऑन लोन ऑफ ₹12,750 एट द रेट ऑफ 4% एनुअल CI फॉर 2 years विच ही हैज टू रीपे इन 2 equal इंस्टॉलमेंट्स हाउ मच विल बी ईच इंस्टॉलमेंट वही बात है कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट है 4% पर एनम का है 12,750 का टोटल लोन है 2 yearly इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है आपको पता है क्या करते हैं आपको पता है एक्स इंस्टॉलमेंट है 4% है तो 104 by 100 26 by 25 आपको पता है 25 by 26 आपको यह भी पता है कि कॉमन ले लेते हैं 25 by 26 बचेगा बोली 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 12750 याद आ रहा है कॉमन लेने से क्या बचता है बस यही बचता है
ये क्या हो गया 51 बाय 26। अब इससे कैसे डिवाइड करें करें करें, 25 से डिवाइड तो होगा, 51 से भी होगा, चाहे तो 51 का टेबल पढ़ लीजिए, अच्छा लगता हो तो ठीक, नहीं तो छोड़ दीजिए। मैं कहता हूं दोनों और 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। 4 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, कुछ कैंसिल ही नहीं करना पड़ेगा, सब अपने आप हो जाएगा। कैसे, यहां 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये 100 हो जाएगा ना, और यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करने का तरीका है 12,750 को ऐसे समझिए, 12,750 का 4 टाइम्स क्या हुआ 48,000, और 750 का डबल हुआ 1500 का डबल हुआ 3,000, 48 and 3, 51,000, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, सब कुछ हो गया, ये 100 यहां और ये 51 यहां, बोले 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 कुछ बचा, कैलकुलेशन में कुछ है। x इज इक्वल टू क्या हुआ 26 का स्क्वायर, उसके ऊपर एक जीरो, 26 का स्क्वायर क्या होता है 676, उसके ऊपर एक जीरो, बताइए आंसर है कि नहीं, 6760, दिस इज द आंसर। बोलिए बोलिए बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि 3 इंस्टॉलमेंट में है, पर मेरा कहना है कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए, सम ऑफ रुपीज 91,000 इज बोरोड एट 20% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इफ द अमाउंट इज टू बी पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, देन द एनुअल इंस्टॉलमेंट विल बी, कुछ नहीं, 91,000 रुपीज का आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट पर लोन लिया, 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट में देना है, 20% पर एनम का रेट है, बनाओ, सुनिए सुनिए सुनिए, थोड़ा शॉर्ट में बनाओ। x हमारा इंस्टॉलमेंट है, तीनों प्रिंसिपल का सम तो हम समझ रहे हैं, P1, P2, P3 क्या है, 20% का रेट है तो 120/100, 6/5 सॉल्व कर लीजिए, 6/5, अब 6/5 होना है या 5/6 होना है, भाई प्रिंसिपल तो कम होगा ना, तभी ना वो इंक्रीज होकर x हुआ, तो 5/6, 5/6 को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 1 + 5/6 + 5/6 का होल स्क्वायर 25/36 इज इक्वल टू 91,000। रुकिए, समझ में नहीं आया होगा तो थोड़ा मैं लिख देता हूं, 5/6 कहां से आया समझ रहे ना, 20% है ना, तो 100 एक हुआ और 100 + 20 तो 120/100 यानी 6/5 कैंसिल कर दीजिए 20 से, या 5/6, तो जानते हैं आप अमाउंट को इंक्रीज होकर एक्स होना है, प्रिंसिपल को अमाउंट बनना है, तो प्रिंसिपल तो कम था ना, कम था तो 5/6, ज्यादा होता तो 6/5। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट प्रिंसिपल, सेकेंड प्रिंसिपल, एंड थर्ड प्रिंसिपल, एन इज इक्वल टू 91,000, P1 + P2 + P3, 5/6 कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा कि नहीं, कैलकुलेशन के लिए परेशान मत होइए, ये प्रैक्टिस पेपर का क्वेश्चन नहीं है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, और एग्जाम का क्वेश्चन आपका नॉलेज, आपकी एबिलिटी टेस्ट करने के लिए होता है, आपको आता है कि नहीं, समझते हैं कि नहीं। आइए, 36 इसका एलसीएम हुआ ना, 30, 25, ये ऐड कैसे करें, इसका 6 ले लीजिए, 5 इसको दे दीजिए, हाथ में बचा 1, और ये 13 × 3, 91 से आप जानते हैं ना 1000 टाइम्स में कट गया, 5 से भी कैंसिल कीजिए तो 200 टाइम्स में कट गया, 6 का क्यूब क्या होता है 216 को डबल करेंगे तो 432, और उस पर डबल जीरो, दिस इज द आंसर। मुझे बताइए इसमें 15 सेकंड भी लगेगा, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट, 15 सेकंड्स भी नहीं लगेंगे इस कैलकुलेशन में, ये तो मैं आपको समझा रहा था, हां समझना पूरा है, समझ में नहीं आता
आप इस एपिसोड को फिर से ऊपर से शुरू से देखिए, जिसमें मैंने डिटेल बताया है कि ये होता क्या है, होता क्या है। चार बार देखिए, जब सिस्टम समझ में आ जाएगा तो आप जानते हैं कि यही हमारा वर्क है, और ये एक लाइन में इक्वेशन लिखते ही आंसर है 43,200 आंसर। मेरा ख्याल है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इसको तो देखिए ही, आप प्रीवियस ईयर पेपर से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा कहना है ये 4 क्वेश्चन सफिशियंट एनफ है। बैंक पीओ में तो आता ही है, एसएससी में तो स्पेशली आता है। कौन सा एग्जाम एसएससी का जिसमें ना आता हो। इसलिए ये आपको लीड दिलाएगा, हमेशा आगे रखेगा। ऑल द बेस्ट।